अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखिए हम इनके बचत बाज़ार में मौजूद हैं, जो कि यहाँ से ये लोग सामान दे रहे हैं। काफ़ी बचत बाज़ार है इनका और आज हमने विज़िट किया है यहाँ पर। तो ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हम अंदर चल के बात करते हैं इनके ऑनर से, ठीक है। सलानी वेलफेयर आरिफ लखानी से हम बातचीत करते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हम आज यहाँ सलानी में मौजूद हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए हमारे व्यूवर्स को। मेरा नाम आरिफ लखानी है, जो कि मैं सलानी वेलफेयर का ट्रस्टी हूँ, जो कि इस वक्त हम बचत बाज़ार में मौजूद हैं। जो कि बचत बाज़ार के अंदर आप रेट देख सकते हैं, सब्सिडी प्राइस है, जिस तरह यह देख सकती हैं आप, मार्केट प्राइस जो है इसकी, आप कैमरा दिखाया आपका, 1700 रुपये है, 1370 रुपये में ये आटा दिया जा रहा है। अच्छा। इसी तरीके से 1640 रुपये का आटा है, 1540 रुपये में दिया जा रहा है। सही। चीनी की प्राइस 125 रुपये, मार्केट 150, 160, 170 है, हमें 125 रुपये किलो दे रहे हैं। इसी तरह ऑयल है 550 रुपये से लेके हम 400 रुपये में, ये 500 प्राइस मार्केट प्राइस है, 400 रुपये में ये सोया वालों का दे रहे हैं हम ये ऑयल, पाकिस्तान ऑयल मिल वालों का ये ऑयल है, जो कि ये इस वक्त मार्केट के अंदर जो कीमतें बढ़ी हुई है, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, इसको कम कीमत में बेचने की वजह बचत बाज़ार लोगों को लगा के देने का मकसद यही है कि लोगों को कम कीमत में प्राइस में, कम से कम प्राइस में वो चीज़ें मिल जाए जो इस वक्त, जिस तरह देखें चने की दाल का मैं आपको रेट बताऊँ, चने की दाल इस वक्त अपना चने की दाल आप देख सकते हैं कि जैसे कि मार्केट प्राइस 260 रुपये, हम 200 रुपये में चने की दाल दे रहे हैं। जबरदस्त। कितनी सब्सिडी है, 30-30% डिस्काउंट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बचत बाज़ार का मकसद ही यही है कि लोगों को, कम आमदनी वाले लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाना है। सही। सलानी बचत बाज़ार कम आमदनी वालों को ये बचत दे रहे हैं, जो गरीब आदमी जो मुस्तहक है, ये पहले 1700 का था 1400 का कर दिया, 1400 के बाद अब 1370 रुपये हो गए। ये आप देख सकती हैं किस तरह ये बाज़ार में जो प्राइस हो रहे हैं, सही, इस प्राइस से लोगों को फ़ायदा हो, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सलानी वेलफेयर का एक ही मकसद है कि गरीब तबका जो इस वक्त बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा रहा है, जो कि हम चाहते हैं तो 3 वक्त का पेट भर के खाएं और उन्हें सस्ती प्राइस मिले। जो इस वक्त ज़खीरा अंदोजी हो रही है, जो लोग मार्केट से ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं, 50-50 रुपये पर चीज़ों पर बढ़ा बढ़ा के बेच रहे हैं, मार्केट से ज़्यादा 100 रुपये की चीज़ 150-150 रुपये में बेच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर चीनी क्या रेट है और सलानी बचत बाज़ार पे क्या रेट है, चने की दाल की प्राइस देखें क्या है। इस वक्त हम प्राइसों को और मिनिमाइज़ करेंगे इंशाल्लाह। हमारी उन फैक्ट्री ओनर से बात हो रही है जो दर्द दिल रखते हैं और जो पाकिस्तान में रहने वाले गरीब गुरबाओं की हमेशा मदद करते हैं, हर वक्त चाहे सैलाब आए, चाहे जलजला आए, चाहे कोरोना जैसी आए, उसमें सलानी वेलफेयर का भरपूर साथ देते हैं। मैं उन डोनर का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो सलानी वेलफेयर को हमेशा बचत बाज़ार हो चाहे किसी भी हवाले से हो, वो हमारी मदद हमेशा करते हैं। इंशाल्लाह ये प्राइसेस और कम होगी, इंशाल्लाह आपको 2-4 दिन में ऑयल की कीमतें भी कम मिलेगी और इंशाल्लाह रेट में कमीशन कराची से जिस तरह हमें चीनी अभी मिली थी, उस चीनी पे हमने 110 रुपये किलो बेची थी, वो चीनी फिर ख़त्म हो गई, हमने फिर ये मार्केट से प्राइस ली जो हमें मिल रही है कंपनी से 125। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर कराची ने जिस तरह पहले ताउन किया, अब भी हमारे साथ DC कमिश्नर बिल्कुल मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और वो चीनी हमें इंशाल्लाह जैसी मिलेगी इंशाल्लाह वो भी फिर 110 रुपये किलो चीनी वापस फरोख की जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन सर आपने और बहुत सारे जो पैकेज दिए हैं, आप चलिए अंदर चलते हैं, हम मंदिर का आप हमें विजिट कराइए। इसी तरह ये मसाले भी हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस है 130 रुपये, सलानी वेलफेयर दे रहा है, जिस तरह ये मसाला है कढ़ाई मसाला हो गया, चार को साल मसाले, सारे मसाले 130 मार्केट प्राइस है, 100 रुपये में दिए जा रहे हैं। मकसद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। ये आटा है, आटे की गारंटी है, आटा लेकर जाने की सूरत में ख़राब हो वापस ले आए। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह चाहे चने की दाल हो, चाहे ऑयल हो, चाहे चावल हो, चाहे चाय की पत्ती हो, और इंशाल्लाह हर चीज़, जी जी जी, हर तरीके से कोई चीज़ ख़राब होने की सूरत में वापस लेके आ सकते हैं। अच्छा, सही। अच्छा तरीकेकार यही है, जिस तरह ये लगे हुए हैं इस तरह लाइन में,
ये लाइन में लगे हुए शिनाख्ती कार्ड के सिस्टम से मिल रहे हैं, शिनाख्ती कार्ड के सिस्टम से मिल रहे हैं, जो कि शिनाख्ती कार्ड दिखाते हैं उन्हें प्राइस में दिखाते हैं। मैंने आपको सिर्फ ये कंपनी का सिर्फ है, क्योंकि वन वॉश वालों ने बड़ी अच्छी प्राइस हमें दी है, 260 रुपये इसका मार्केट प्राइस है, 200 रुपये में सेल किया जा रहा है। सिर्फ ख़राब होने की सूरत में रकम की अदायगी वापस की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई हल्की चीज़ें ना बेची जाए। और इसी तरीके से शहनशाह राइस वालों की तरफ से भी बड़ा अच्छा मतलब हमें सब्सिडी दी जा रही है। ये चावल 360 रुपए किलो है, जो कि 300 रुपए किलो में सैलानी बचत बाज़ार पर मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मसाले देखें, हर मसाले आला क्वालिटी ब्रांड के हवाले से अपनी चक्की के पिसे में इनके ब्रांड है ये, जो कि खुद चक्की का पिसा हुआ यहाँ पर लेकर आते हैं। और ये यहाँ पर 130 रुपए का प्राइस है, जो कि 100 रुपए में मिल रहे हैं। क्या सर, हमारे व्यूअर्स को आप कुछ बोलिए। जी हाँ, मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि आपके पैसे से आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ की आगाही, यहाँ के मैसेज जो लोगों तक पहुँचा रही है, और जो आप ये खिदमत खल का काम कर रही है, ये भी बहुत बड़ी खिदमत है कि लोगों तक ये पैगाम देना कि कहाँ क्या चीज़ सस्ती मिलती है, और वो सस्ती चीज़ें लेने के लिए बेहद लोग परेशान हैं और मजबूर हो चुके हैं महंगाई से। तो आपके व्यूअर्स को, आपके ताउन का मैं बेहद मशहूर और शुक्रगुजार हूँ। और सैलानी वेलफेयर के इदारे बचत बाज़ार में आएँ, यहाँ से आप सस्ती चीज़ें हासिल करें। और इसके अलावा आपकी बच्चियों की शादी हो तो जैज़ वगैरह लिया जा सकता है। बेवा और तलाकशुदा औरत जो अपनी बच्चियों के लिए शादी के इंतजाम नहीं कर सकती है, जैज़ नहीं दे सकती है या फर्नीचर नहीं दे सकती है, सैलानी से रब्ता करें। और बेवा है, तलाकशुदा औरत है, वो चाहती है ख़ुद किफालत, अपने किफालत के हवाले से मदद लेना चाहती है, सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद पर तशरीफ लाएँ और वहाँ पर आके मदद हासिल कर सकती है। बहुत आसान तरीका है, दरख्वास्त देनी पड़ती है, बच्चों के बेफाम तलाकशुदा है तो तलाकनामा, बेवा है तो सर्टिफिकेट जमा करा के तमाम चीज़ें देकर एक इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी के हवाले से उनकी मदद की जाती है। बहुत शुक्रिया।